हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जा रहे हैं बात करने हैं जनरल साइंस के पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो लेबर इंस्पेक्टर के व्यापम के प्रीवियस पेपर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे आपकी पूरी एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल मैनेजमेंट का भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको बना के दूं, ठीक है। और लेकिन उससे पहले अगर इन पे वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा दोस्तों, तो फिर मैं इनको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत कम व्यूज इन पे आ रहे हैं। इसलिए आप इनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप लोग शेयर अगर करेंगे तो ही इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 1500-1600 व्यूज़ आते हैं और पता चलता है उसमें से केवल 10 शेयर हैं या 12 शेयर हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज इनको शेयर करें। चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन अ टिपिकल सेल द ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडीज आर फाउंड इन, मतलब एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक गोल्जी काय पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर ये आपके पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर आपका ये जो है, आपका ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय इसको बोला जाता है, और ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडीज भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो कोशिका के पार्ट होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और आपका लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ईआर होता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये इस तरीके से दिखाई देता है, जो जैसे ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे कोई हमने छड़ को मोड़ दिया और ये पैरेलल इस तरीके से आपका देखिए बना होता है पूरा ये। हालांकि इसमें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। एक चीज और आप यहाँ पे जान लें कि जो गोल्जी बॉडीज होती हैं, इनकी जो खोज थी वो करी थी कैमिलो गोल्जी ने, और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ था, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। ये खोज हुई थी इसकी 1898 में, 1898 में, ठीक है। और आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि जो कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या जो स्तनधारी होते हैं, उनकी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, मतलब आरबीसीज जो होती हैं, इसके अलावा आपके जो जीवाणु होते हैं या आपकी जो नील हरित शैवाल जो होती है, ठीक है, इनके अंदर आपका ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, गोल्जी बॉडीज इनके अंदर नहीं पाया जाता है। मैंने आपको चार बताए, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और आपका जो स्तनधारी होती हैं उनके आरबीसीज, और आपके जो जीवाणु होते हैं, इसके अलावा नील हरित शैवाल, इनमें ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन देखिए दो मेन फंक्शन होते हैं, एक आपका जो लाइसोसोम होता है और पेरोक्सीसोम होता है, उनका उनका जो निर्माण होता है उसमें ये मदद करता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है, एक होता है आपका लाइसोसोम और एक होता है आपका पेरोक्सीसोम, ठीक है, इन दो के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा जो दूसरा काम होता है, जो पादप कोशिका होती है उनमें कोशिका का जो विभाजन होता है उस विभाजन के समय, या जो सेल प्लेट होती है या फिर कोशिका जो प्लेट होती है उसको बनाने में मदद करता है, पादप कोशिका विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ एन आयरन रॉड टू द कोल्डर एंड इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का अंतरण होता है। देखिए, हमने लास्ट जो हमारा पार्ट वन डिस्कस करा था उसमें मैंने सारी आपको ये मेथड्स बताई थी, क्योंकि डेफिनेटली इनसे एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में जरूर आता है। इसका आंसर होगा चालन। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनमें यह प्रक्रिया पाई जाती है। ठोस में जो ऊष्मा का अंतरण होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है, वो इसी मेथड के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट आपका मॉडर्न टूल अटैच टू टू ट्रैक्टर्स टू सेव लेबर एंड टाइम आर कॉल्ड, ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं कहलाते हैं। देखिए, ये होता है आपका कल्टीवेटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं हम कल्टीवेटर। हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं, हमारा जो चैनल है व्यापम गुरुजी, उस पर अगर आप यहाँ पे, मैं इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उस पर इसके क्विज बना के मैं डालूंगा। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो एक बार आप क्विज इसका जरूर देखें, और क्विज देख के आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नहीं बनते हैं तो फिर आप एनएस एजुकेशन पे आके इसका जो पूरा डिटेल वीडियो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो व्यापम गुरु जी का जो लिंक है वो आपको हमारे नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ पर सीधा आप जाके यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, व्यापम गुरु जी। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया आर यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, सच बायोलॉजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड, मतलब कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं, आपको बायोवीडिसाइड्स।
नेक्स्ट है आपका लाउडनेस ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। देखिए ध्वनि की जो प्रबलता है वो निर्भर नहीं करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर, मतलब कंपन का जो आयाम होता है ये होता है आपकी, जैसे वेव है आपकी, ये जो आपका है ये यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, लाउडनेस का मतलब देखिए, लाउडनेस का सीधा सिंपल सा मतलब है, देखिए इसको मीनिंग अगर मैं आपको सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि हम कितना जोर से बोल रहे हैं, कि जैसे हमसे एक कोई 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो हमें उस तक अपनी बात पहुंचानी है तो हमें कितना जोर से उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये कहलाती है आपकी लाउडनेस, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, या फिर इसको हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी कि आप कितना तेज बोल रहे हैं, तो उसमें आपकी जितना तेज बोलोगे उतनी ज्यादा आपकी साउंड की एनर्जी होगी, तो उस तक आपको दूर दूर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचाना है तो आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड तीव्रता, इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में समझें थोड़ा सा, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितनी साउंड एनर्जी आपकी कहां पहुंच रही है, कान में पहुंच रही है। ठीक है, वो कहलाती है साउंड की लाउडनेस। ठीक है, और इसके अलावा लाउडनेस या इसी को बोलते हैं सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए आपका एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल सही आंसर है इसमें। ठीक है, फिर लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, मतलब एम्पलीट्यूड जो होता है या आयाम जो होता है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, अब अगर आपका एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस होता है मतलब दोगुना हो जाता है, तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी, बाय अ फैक्टर ऑफ इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ फोर, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डेसिबल। इसके अलावा एक दो पॉइंट और आपको मैं बता देता हूं यहां पे, जो आपकी लाउडनेस होती है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट पर मिनट स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को माइक्रो को अगर हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो को लिख सकते हैं हम 10^-6। ठीक है, और जो आपका वॉट है, वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, तो इसको लिख देता हूं मैं जूल पर सेकंड। ठीक है, और साथ में क्या है आपका मीटर स्क्वायर, तो इसको ये भी यूनिट इसकी बन जाती है। ठीक है, और लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है इसकी बेल, BEL, BEL। ठीक है, और जो बेल होता है आपका BEL, इस बेल का जो 10वां भाग होता है इसको बोलते हैं हम डेसिबल, डेसिबल, DECIBEL, इसके 10वें भाग को, डेसी मतलब क्या हो जाता है, 10वां, इसका 10वां जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम डेसिबल, और जनरली डेसिबल में ही इसको हम मेजर करते हैं। इसके अलावा जैसे आपका जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कितने डेसिबल लाउडनेस होती है, 10 dB होती है। सॉफ्ट विश्पर होती है जो आपकी लगभग 5 मीटर की, उसको हम 30 dB में। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं 60 dB होता है। बिजी ट्रैफिक जो होता है आपका 70 dB होता है। एवरेज कोई फैक्ट्री है वो 80 dB तक का साउंड प्रोड्यूस कर देती है। इसके अलावा जैसे आपका जो साउंड होता है 10 dB का होता है, और आपका जैसे हम बात करते हैं जो सायरन होता है, सायरन 110 से 120 dB तक इसकी इंटेंसिटी होती है। इसके अलावा आपका जो जेट विमान होता है, जेट विमान जो होता है ये करीब 140 से 150 dB तक इसकी लाउडनेस होती है इसके साउंड की। ठीक है, मिसाइल्स जो होती हैं, मिसाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 180 dB तक इसकी लाउडनेस होती है। ठीक है, इसका अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, हम यहां पे जैसे लाउडनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लाउडनेस है आपका ये जो काय काय के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको ये भी आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं कि देखिए जैसे जहां से आवाज आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आवाज कहां से आ रही है। अब आवाज जिस सोर्स से आ रही होगी उस सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे मिसाइल है तो मिसाइल की कुछ और होगी, जेट है तो जेट की कुछ और होगी, तो एक सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि सोर्स की कितनी पावर है, मतलब सोर्स की शक्ति के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई श्रोता है या फिर कोई
सोर्स है, ठीक है, मतलब श्रोता है या स्रोत है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसकी जो लाउडनेस होती है 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, 1/r² के, या डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है r, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती है, विद क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी जो कमरा है, कमरे की जो छत है, कमरे का जो फर्श है, या कमरे की जो दीवारें हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करती है, मतलब अल्टीमेटली ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। इनसे क्योंकि परावर्तन होता है, इनसे क्या होता है, परावर्तन होता है, इसलिए इनके ऊपर भी डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती ही है। इसके अलावा जो आवृत्ति होती है, न्यू न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, आवृत्ति के वर्ग के प्रोपोर्शनल भी ये होती है। इसके अलावा जैसे जिस मीडियम में है, जैसे कमरा है तो कमरे में एयर है, तो ये एयर जो है आपकी, एयर के जो घनत्व है, इसकी डेंसिटी है, इस घनत्व के डेंसिटी के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है पिच। पिच क्या होती है आपकी, पिच, या इसको श्रिलनेस भी बोलते हैं, फ्लैटनेस भी बोलते हैं, दोनों इसके नाम है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो साउंड हैज हाई पिच, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड की पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी लो है तो साउंड की पिच भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है हमारा स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, मतलब प्रजातियां जो पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उनको कहा जाता है। देखिए ऐसी प्रजातियां जो अब मौजूद नहीं है उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज या विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां। पर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय बर्निंग सॉलिड फ्यूल्स लाइक बोर्ड पेपर द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड, मतलब लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक, ये जो आपका अग्निशामक है इसको बोलते हैं हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, जल अग्निशामक, जल अग्निशामक। ये तो मतलब बहुत आसान से जो है, मतलब बड़े आराम से आप इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन आर रेफर टू एज, मतलब बे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है। देखिए इस जिन्हें पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं उन प्रतिबिंब को या उन इमेजेस को कहा जाता है रियल इमेजेस या वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए लाइट की जब भी हम बात करते हैं तो किसी वस्तु से जो निकलने वाली किरणें हैं वो प्रकाशीय युक्ति या युक्तियों से निकलने के बाद, प्रकाशीय युक्ति मतलब जैसे यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो दर्पण यूज कर रहे हैं हम, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में एक आपका जैसे आपका उत्तल है, एक आपका अवतल है, ठीक है। तो इनके बाद वास्तव में किसी बिंदु पर जब ये मिलती है, जैसे यहां से एक रेज गई, ये कोई वस्तु है, ये रेज यहां गई और यहां से आपकी यहां पे आई, और सेम ये यहां से आपकी यहां पे आई, तो यहां पे ये दोनों मिल रही, तो यहां पे क्या बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे तो उस बिंदु पर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसी को आपको क्या बोलते हैं, हम रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस प्लेन में एक किरणें मिल रही होती, जिस तल में एक किरणें मिल रही होती, उस तल पर यदि कोई पर्दा या स्क्रीन रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उस पर्दे पर दिखने लगता है। इसके कुछ उदाहरण अगर देखें हम, तो जैसे सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली प्रतिबिंब वास्तविक होती है, ठीक है, यह प्रक्षेपक से आती, प्रक्षेपक मतलब होता है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। कैमरा का जो डिटेक्टर होता है, फिल्म या कोई अन्य चीज, इस पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो भी आपका ऐसे में आ जाता है। आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी आपका वास्तविक होता है, ठीक है। और आंख के अंदर एक फोकस दूरी बदलने में सक्षम उत्तल लेंस आपका होता है। तो इतने पॉइंट आपको पता होना यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट है इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक हैं। देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों तो इसमें नहीं है, एक क्या व्यवस्था आपका आयन। कॉपर सल्फेट की जब भी हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Cu2+, ये आयन है, OH नेगेटिव, ये आयन है आपके। ये जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं इस पे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो विलयन है इस विलयन में आपके आयन्स नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। तो मेन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो हो रही है आपकी, इन आइंस के थ्रू फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये आपका, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका पूरा मेथड मैंने यहाँ पे बताया, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पून प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, मतलब पानी के ग्लास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो मुड़ना है ये सीधा सीधा किसके कारण होता है, ये मतलब सबको ही पता होगा, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम परावर्तन बोलते हैं, एक रिफ्रैक्शन होता है जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं। जैसे ये लाइट यहाँ पे आई और यहाँ से सीधी इस
वापस यहाँ से अगर चली जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। लेकिन ये इसके अंदर जा रही है, एक मीडियम यहाँ पे है, दूसरा मीडियम आपका यहाँ पे, उसके बाद फिर से तीसरे मीडियम में या फिर से इसी मीडियम में वापस पहुंच रही है, तो ये फिर से देखिए मुड़ जाती है इस तरीके से। और ये दोनों जो लाइन होंगी ये दोनों पैरेलल होंगी एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बेंट हो गई है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट आपका, उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए कुत्ता, मेंढक, मनुष्य, इन तीनों में तो होता है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और हाइड्रा लिंगन एक ऐसा है, इसको आप गैस भी कर सकते हो बड़े आराम से। देखिए कुत्ता, मेंढक और जो मनुष्य है, इनमें मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही है, जो परिसंचारी तंत्र होता है होता ही है। हाइड्रा ये केवल थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसमें, तो आप इसको लगा सकते हो। इसके अलावा जो आपका स्पॉन्ज होता है, ठीक है, और फिर जो जेली फिश होता है, इनके अंदर भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट है स्मॉग। अभी दिल्ली में आपने सुना होगा, दिल्ली में स्मॉग के कारण काफी प्रॉब्लम हुई थी, तो ये क्या है? स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो देखिए स्मॉग जो है आपका एक कॉम्बिनेशन है स्मॉग, स्मोक मतलब धुएं का और कोहरे का, स्मॉग एंड फॉग का, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स ऑफ, मतलब ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु डैस की जड़ों में पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है पीस, मटर। मटर की जो जड़ें होती हैं उनमें ये ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु जो होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये पाए जाते हैं आपकी मटर की जड़ों में। नेक्स्ट है फूड आइटम सच एज सीरियल्स पल्सेज आर जनरली प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग अंडर द सन एंड दिस मेथड इज नॉन एज, मतलब खाद्य वस्तुएं होती हैं जैसे अनाज और दालें, इनको सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? देखिए सुखा रहे हैं मतलब उनके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इनका हम करते हैं। ठीक है, हालांकि उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, तो इसको फिर हम जैसे अगर इसका डिहाइड्रेशन नहीं करें, डायरेक्ट अगर रिफ्रिजरेशन भी हम इसका कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस यहाँ पे बताई है इसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रिक्शन डिसएडवांटेजियस, मतलब निम्न में से किस में घर्षण हानिकर है। देखिए जैसे मशीन के चलते हुए हिस्सों में, सड़क पर चलना, देखिए सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो इसमें हानिकारक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है उसी के कारण ही हम चल पाते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके कारण हम सड़क पर चल पाते हैं, हम चल पाते हैं। अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप द व्हीकल, वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, डेफिनेटली जो ब्रेक हम लगाते हैं इसमें भी फ्रिक्शन का ही रोल होता है। ठीक है, राइटिंग अ पेपर, राइटिंग ऑन अ पेपर विद अ पेन, मतलब कागज पर कलम के द्वारा लिखना, तो ये भी फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इन तीनों में तो फ्रिक्शन की जरूरत ही है, तो हानिकारक हो गई नहीं, लेकिन जो मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन है, मतलब मशीन के चलते हुए हिस्सों में, डेफिनेटली अगर मशीन के चलते हुए हिस्सों में फ्रिक्शन आ जाएगा तो उसकी जो इफिशियंसी है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन मेटल जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर, मतलब तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो निम्न उत्पादों का गठन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं Zn plus HCl, तो इसको मिलकर क्या बनेगा, H2 plus ZnCl2, H2 plus ZnCl2, मतलब हाइड्रोजन बनेगा और जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और ये बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन चुनिए। अब देखिए बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज शुड है, मतलब जो भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में मतलब कैसी होनी चाहिए, जैसे निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। यार बिल्कुल सही बात है, अगर हल्की सामग्री का प्रयोग होगा, अगर बिल्डिंग गिरेगी भी तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा जानमाल का। फिर निर्माण में भारी सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। झटके झेलने के लिए उपयुक्त डिजाइन, डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, डिजाइन सुटेबल टू विदस्टैंड ट्रेमोर्स, मतलब झटके आएंगे तो ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहिए कि वो उसको विदस्टैंड कर सके, उसको झेलने के लिए उपयुक्त डिजाइन उसकी होनी चाहिए। फिर है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मेड रेडली अवेलेबल, मतलब अग्निशमन जो उपकरण होते हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराने चाहिए, तो डेफिनेटली बात भी सही है, अगर आग लग जाती है उनको बुझाने के लिए अग्निशमन जो उपकरण होते हैं उनकी भी जरूरत होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैवी मटेरियल्स कभी भी यूज नहीं होने चाहिए जो आपकी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं जहां पे भूकंप आने की आशंका ज्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव ये होता है आपका इंक्रीजेस विद डेप्थ, मतलब गहराई के साथ बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आपका
देखिए ये तो होगा ही नहीं, गहराई के साथ बदलता है, गहराई के साथ घट जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समान गहराई पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रहता है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रहता है, समान गहराई पर अलग अलग दिशाओं में एक रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये चार नियम है द्रवों के, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए एक स्थिर द्रव है, उसमें एक ही क्षैतिज तल में, एक हॉरिजॉन्टल तल की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका, अगर यहाँ पे आप इसमें कुछ छेद कर दें, ठीक है, और जब इन छेद को आप खोलोगे एकदम से, तो इसमें जो पानी निकलेगा वो सब में सेम प्रेशर से बाहर निकलेगा। इसी से हमें ये चीज पता चलती है कि सभी बिंदुओं पर इसका जो दबाव है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो दबाव लगा लगाया जा रहा है वो गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। यही हमारा पॉइंट है, इंक्रीजेस विद डेप्थ। फिर एक किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, मतलब द्रव की जो भी डेंसिटी होगी उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, और घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के समानुपाती ये हो रहे हैं। मतलब अगर घनत्व डेंसिटी ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। स्टील डज नॉट रस्ट इजीली एंड इज एन अलॉय ऑफ, इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता है और वह इसका मिश्र धातु, ये तो बहुत आसान है, आयरन जो है आपका उसका ये मिश्र धातु होता है स्टील। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमाइजेस फ्रिक्शन, इनमें से निम्न में से कौन घर्षण न्यूनतम करता है। देखिए यूजेस ऑफ व्हील्स बिटवीन सर्फेसेस, ठीक है, ग्रूव्स इन द टायर, टायर में जो खांचे होते हैं, डेफिनेटली टायर में खांचे किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि फ्रिक्शन मिले और हम आसानी से ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। ठीक है, स्पाइक्स इन द सोल्स ऑफ द शूज, मतलब जूते के जो तलवे होते हैं उनमें कीलें बनी होती हैं, ये भी किसके लिए बनी होती हैं, फ्रिक्शन के लिए ही बनी रहती हैं, तो यहाँ भी फ्रिक्शन हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ग्रेवल स्प्रेड ऑन स्लिपरी रोड, मतलब सर्पणशील सड़क पर बजरी का प्रसार, सर्पणशील जो सड़क होती है उस पर अपन क्या करते हैं, सर्पणशील मतलब स्लिपरी, जहां पे स्लिप ज्यादा होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, बजरी डाल देते हैं। ठीक है, या जैसे जो रेत होती है, रेत डाल देते हैं हम, जो कंकड़ वाली जो रेत होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे फ्रिक्शन उसके अंदर आ जाता है, तो ये तीन ऑप्शन तो इसके बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें तो घर्षण की हमें जरूरत है, इसमें न्यूनतम तो हमें करना ही नहीं है, लेकिन जो देखिए यूज ऑफ व्हील्स बिटवीन सर्फेसेस, सर्फेसेस के बीच में व्हील्स लगाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसलिए ही लगाते हैं ताकि उसमें घर्षण क्या रहे, कम रहे, न्यूनतम रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वुड हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इफ अ लेक इज फाउंड टू बी कॉन्टेमिनेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है। कॉन्टेमिनेटेड मतलब संदूषित, मतलब प्रदूषण उसमें आ गया है, जैसे पेस्टिसाइड्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कीटनाशकों की हम बात कर रहे हैं, जैसे एक में बहुत सारे कीटनाशक उसमें मिल जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा किस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पेस्टिसाइड मिलेगा। देखिए बड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, लेकिन जो फूड चेन होती है, ठीक है, ये फूड चेन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या रहता है, जो वाटर वर्ड्स होती हैं, वाटर वर्ड्स क्या करती हैं, मछलियों को खाती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये आपका सबसे ज्यादा होगा, वर्ड्स जो वाटर वर्ड्स हैं स्पेशली है, सभी वर्ड्स नहीं है, जैसे कहीं पानी अगर है तो उस पानी के आसपास जो वर्ड्स रह रही हैं, ठीक है, उनके अंदर पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बाय द आई लेंस इज, मतलब नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें ये बनता है आपका इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी होता है और डिमिनिश भी होता है, मतलब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। तो इन्वर्टेड तो होता ही है, जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, अगर वस्तु इस तरीके से रखी है तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका उल्टा बनता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये मैग्निफाइड जो है, मैग्निफाइड मतलब बढ़ के मिलना, और जैसे मान लीजिए वस्तु का आकार है और यहाँ पे रेटिना पे मान लीजिए हमें इस तरीके का मिलता है, तो ऐसा नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा डिमिनिश होकर मिलता है, थोड़ा सा कम होकर मिलता है ये प्रतिबिंब, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मून दैट बिकम्स विजिबल टू अस इज कॉल्ड, मतलब चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, चंद्रमा का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून, मतलब बाल चंद्र, ये पूरा जो चंद्रमा होता है उसको पूर्ण चंद्र बोलते हैं, आधा होता है उसको अर्धचंद्र बोलते हैं, ये सब इसके टाइप होते हैं, जो चंद्रमा जिसको हम चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं, चंद्रमा एक साइज बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, फिर पूर्णमासी को पूरा चांदा जाता है, फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है, एंड सो ऑन। हाउ मेनी मिनट्स मेक 6 आवर्स, मतलब
कितने मिनट्स होंगे 6 घंटे में, तो 1 मिनट में कितने, सॉरी घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 360 मिनट्स। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय, मतलब जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि इनके होने का कारण है। देखिए जुकाम और जो फ्लू होता है इसमें ये एक्चुअली होता है आपका किसके कारण, वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया वायरस से, और जो अगर हम बात करते हैं तो वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं जिसको हम वायरल डिसीजेज एक्चुअली बोलते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इससे इसके मैं वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी आप देख लें एक बार कि वायरस से कौन कौन से आपकी बीमारी होती है। देखिए आपका एड्स जो होता है आपका, ये वायरस के कारण ही होता है। इसके बाद आपका स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चेचक, चेचक भी आपका वायरस के कारण ही होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जो होता है आपका वो वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा। और आपका जो पोलियो होता है, ठीक है, पोलियो भी हमारा वायरस के कारण ही होता है। इसके बाद फिर आपका डेंगू, डेंगू भी आपका वायरस के कारण होता है। आपका ज्वाइंटिस जिसको हम पीलिया बोलते हैं या हेपेटाइटिस भी इसको बोलते हैं, ज्वाइंट JAUN, JAUN ज्वाइंट डिस जिसको हम पीलिया या हेपेटाइटिस बोलते हैं, ये भी वायरस के कारण होता है। रेबीज या जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया मतलब जिसमें पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मेनिनजाइटिस होता है, मेनिनजाइटिस ये भी आपका वायरस जनित रोग है। फिर आ जाते हैं हमारा मीजल्स जिसको हम खसरा बोलते हैं, मीजल्स खसरा, ये भी आपका इसी के कारण होता है। ठीक है, और मीजल्स के बाद बहुत सारे मतलब ऐसे रोग हैं, जैसे आपका चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता बोलते हैं, छोटी माता, ये भी आपका वायरस के कारण ही होता है। फिर आ जाते हैं ट्रेकोमा, ट्रेकोमा भी आपका वायरस के कारण होता है। इसके अलावा एक मम्स होता है, मम्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गलसुआ, मम्स। ठीक है, इतने मतलब इतने सारे रोग हैं, मतलब 10-12 करीब रोग होते हैं जो आपके वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ से आपका, जैसे आपका स्लीपिंग सिकनेस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग सिकनेस या जिसको हम बोलते हैं निंद्रा रोग। ठीक है, और प्रोटोजोआ जिसको हम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम परजीवी बोलते हैं। आपका जो डिसेंट्री पेचिस, डिसेंट्री पेचिस ये भी आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर आ जाते हैं हमारा मलेरिया, तो मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। पायरिया, ठीक है, और अभी हालांकि क्या होता है कि अलग अलग प्रोटोजोआ के कारण ये होते हैं। एक होता है आपका कालाजार, कालाजार ये भी आपका इसी के कारण ही होता है। अगर अब हम कवक के द्वारा बात करते हैं तो देखिए एक होता है बाल्डनेस, बाल्डनेस मतलब गंजापन, ठीक है, गंजापन ये आपका फफूंद के कारण होता है। इसके अलावा एक रोग होता है आपका दमा जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपकी दाद जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में दाद, रिंग, रिंग बॉम। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं हम, एक रोग होता है दाद, दाद के साथ कौन सी आती है, खाज भी, ये भी एक रोग इसके कारण ही होता है। खास को बोलते हैं स्कैबीज। ठीक है, और एक और बहुत फेमस रोग है जिसको हम बोलते हैं एथलीट फुट, ATHLET, एथलीट्स फुट, ये रोग भी इसके कारण होता है। जो आपका फंजाई, फंगी, फंगी या कवक जो आपका होता है। अब हम बात करते हैं देखिए बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के कारण भी बहुत सारे जो रोग हैं वो होते हैं। जैसे आपका एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनको, बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं, जैसे आपका टाइफाइड होता है, टाइफाइड जिसको आंत, आंत्र ज्वार के नाम से इसको जाना जाता है टाइफाइड को। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम, ट्यूबरक्लोसिस को हम बोलते हैं तपेदिक। ठीक है, ये भी आपका किसके, बैक्टीरिया के कारण होता है। एक होता है आपका प्लेग, प्लेग को प्लेग ही बोलते हैं मतलब जनरली आपका जो हिंदी है उसमें। इसके अलावा आपका कोलेरा, CHOLERA, कोलेरा जिसको हम क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं, ये भी आपका
बैक्टीरिया के कारण होता है, इसके अलावा एक होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिप्थीरिया को जनरली हिंदी में डिप्थीरिया ही बोलते हैं जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और डिप्थीरिया के लिए आपको पता होगा, चलिए खैर इसका एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जितने भी रोग होते हैं जिनके कारण होते हैं पूरा एक डिटेल में इसका वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा कि किससे क्या क्या होता है, कौन कौन से वायरस से होता है और उस रोग के लक्षण क्या होते हैं और उपचार में उसका क्या करना चाहिए, ठीक है। पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा मैं। एक जैसे आपका टिटनस होता है, टिटनस भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। लेप्रोसी का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कोढ़, कोढ़, ठीक है। लेप्रोसी भी इसी के कारण ही होता है। आपका निमोनिया, निमोनिया 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 जो होता है आपका, ये भी आपका इसी के कारण ही होता है। काली खांसी, काली खांसी भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इतने सारे जो रोग हैं आपके, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे टोटल, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। अदरवाइज नहीं तो फिर मुझे एक लिमिट इसमें बनानी होगी कि जब तक 5,000 व्यूज नहीं आएंगे मेरे किसी वीडियो पर, मैं अगला वीडियो नहीं लेके आऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसा मुझे नहीं करना पड़े, इसलिए आप थोड़ी सी पढ़ाई भी करें और शेयर करें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।